देखते हैं कौन कौन से सर्कल बनेंगे। ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, पहला सर्कल बन जाएगा बुक के लिए, दूसरा बन जाएगा पेंसिल के लिए, ठीक है। डुप्लीकेट सर्कल नहीं बनना, तो पेंसिल जो है इसके लिए सर्कल हो चुका है, दोबारा सर्कल नहीं बनेगा। तीसरा बन जाएगा साइकिल के लिए, तो हमारे तीन सर्कल बनेंगे। अब बताते हैं सर्कल, पहला सर्कल बन जाएगा बुक के लिए, ये हमारा बुक वाला सर्कल आ गया। अब बनेगा पेंसिल वाला सर्कल, और कैसे बनेगा, ऑल बुक्स आर पेंसिल्स के पूरा का पूरा जो बुक वाला सर्कल है ये पेंसिल वाले सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो हमने पेंसिल वाला जो सर्कल है इस हिसाब से बनाना है कि बुक वाला पूरा सर्कल जो है इसके अंदर आ जाए, ठीक है, हमारा सर्कल आ गया है। अब बनेगा सर्कल साइकिल वाला, और कैसे बनेगा, सम पेंसिल्स के पेंसिल वाले सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो साइकिल वाले सर्कल के अंदर आ जाए, ठीक है। यह आ गया हमारा पेंसिल वाले सर्कल का कुछ पार्ट जो है वो इस नए साइकिल वाले सर्कल के अंदर आ जाए, ये हमारा आ गया है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट, सम साइकिल्स आर पेंसिल्स, कि जो साइकिल वाला सर्कल है इसका कुछ पार्ट जो है क्या वो पेंसिल वाले सर्कल के अंदर है, यस, ये हमें दिख रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये पार्ट जो आ रहा है ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, सम साइकिल्स आर बुक, कि जो साइकिल वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है क्या वो बुक वाले सर्किल में है। देखिए ये सर्किल एक दूसरे को कहीं टच नहीं कर रहे हैं, नो, ठीक है, नहीं है, तो क्या वो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट ही फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर आ गया हमारा ए, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, अब देखते हैं ऑल रेसिस आर स्प्रिंट्स, ठीक है, तो पहला बन जाएगा रेस के लिए सर्किल, दूसरा बन जाएगा किसके लिए, स्प्रिंट के लिए बन जाएगा, और यहाँ पर रेस जो वर्ड है इसके लिए सर्किल हो चुका है, तीसरा बन जाएगा किसके लिए, कॉन्टेस्ट के लिए। तो हमारे तीन सर्किल बनेंगे, पहला सर्किल रेस के लिए, ठीक है, ये हमारा रेस वाला सर्किल बन गया। अब बनेगा किसके लिए, स्प्रिंट के लिए, और कैसे बनेगा कि पूरे का ऊपर जो रेस वाला सर्किल है, ठीक है, वो इस सर्किल के अंदर आ जाएगा, ये हमारा बन गया। अब तीसरा बन जाएगा सर्किल कौन सा, हमारे पास सम रेसेस, कि भाई रेस वाला जो सर्किल है इसका कुछ पार्ट किसके अंदर होगा, एक नए सर्किल के अंदर, जिसका नाम क्या है, कॉन्टेस्ट, ठीक है। यहाँ से हम बनाएंगे एक सर्किल किसके लिए, कॉन्टेस्ट के लिए, और वो क्या करेगा कि रेस वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा सर्किल बन गया। अब डायग्राम बन गया, अब चेक करते हैं कंक्लूजन। फर्स्ट, सम कंटेंट्स आर स्प्रिट्स, ठीक है, कंटेंट्स वाला कौन सा है, येलो, क्या येलो सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो ब्लैक सर्किल के अंदर है, यस, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन आ रहा हमारे पास कॉन्टेस्ट वाले सर्किल का, ये किसके अंदर है, ये स्प्रिट वाले, जो स्प्रिट वाला सर्किल है इसके अंदर है, यस, फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल कंटेंट्स, जो येलो सर्किल है कंटेंट वाला सर्किल है, क्या ये पूरे का पूरा इस ब्लैक सर्किल के अंदर है, नो, ठीक है, इसका कुछ पार्ट तो है इसके अंदर, लेकिन पूरा इसके अंदर नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, तो आंसर क्या गया, ए, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, अब देखते हैं, पहला सर्किल बन जाएगा रोड के लिए, दूसरा वाटर के लिए, डुप्लीकेट सर्किल नहीं बनेगा क्योंकि वाटर के लिए हो चुका है, तीसरा बन जाएगा बोट के लिए, ठीक है, तो पहला सर्किल बनेगा रोड के लिए। अब बनेगा वाटर के लिए सर्किल, ठीक है, तो पहले बनेंगे, पहला सर्किल बन जाएगा रोड के लिए, ये हमारा रोड वाला सर्किल आ गया। अब बनेगा वाटर के लिए, और कैसा बनेगा कि ऑल रोड के पूरे का ऊपर जो रोड वाला सर्किल है वो वाटर वाले सर्किल के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, पूरे का ऊपर जो रोड वाला सर्किल है वो किसके अंदर आएगा, वाटर वाले सर्किल के अंदर आएगा। हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि और वाले केस में आपने नया सर्किल वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से कि इससे प्रीवियस वाला सर्किल स्टार्ट हुआ था। अब बनेगा सर्किल किस नाम से, बोट नाम से, और कैसे हैं, सम वाटर, कि वाटर वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है किसके अंदर है, बोट वाले सर्किल के अंदर है, ठीक है, ये आ गया, जो वाटर वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट किसके अंदर है, बोट वाले सर्किल के अंदर, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आते हैं हम कंक्लूजन पर, चेक करते हैं। फर्स्ट, सम बोट्स आर रोड्स, बोट ये सर्किल है कि इस बोट वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है क्या वो रोड वाले सर्किल के अंदर है, नो, ठीक है, इनमें ये तो आपस को टच नहीं कर रहा है, दिख रहा है फिगर में, कोई रिलेशन नहीं है इनमें, तो क्या हो गया, नो, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड चेक करेंगे, ऑल वाटर्स, ये वाटर वाला सर्किल है, ऑल वाटर्स आर रोड, कि जो वाटर वाला सर्किल है ये पूरे का पूरा जो रोड वाले सर्किल के अंदर है, नो, ठीक है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या आ गया, फर्स्ट भी नो, सेकंड भी नो, आंसर गया डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है, ना फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना सेकंड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कौन कौन सा सर्किल बनेगा, पहला सर्किल बन जाएगा प्लेयर के नाम से, दूसरा बन जाएगा सर्किल डॉक्टर के लिए, ठीक है, डॉक्टर के सर्किल हो चुका है, तो तीसरा बन जाएगा एक्टर के लिए, तो पहला सर्किल बनाएंगे प्लेयर के लिए।
अब बनेगा सर्किल डॉक्टर के लिए। नया सर्किल कैसे बनेगा? ऑल प्लेयर, कि ये प्लेयर वाला सर्किल है, ये पूरा का पूरा जो है डॉक्टर वाले सर्किल के अंदर होना चाहिए। तो जो डॉक्टर वाला सर्किल इस हिसाब से बनेगा कि प्लेयर वाला सर्किल जो है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब सर्किल बनेगा किसके नाम से? एक्टर नाम से। और कैसे बनेगा? सम डॉक्टर्स, कि डॉक्टर वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है किसके अंदर आएगा? एक्टर वाले सर्किल के अंदर आएगा। ठीक है, डॉक्टर वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो एक्टर वाले सर्किल के अंदर। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा ये डायग्राम बन गया। कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर एज वेल एज एक्टर्स। अब देखिए ये बता रहा है क्या इसमें कुछ ऐसे कि कुछ डॉक्टर वो प्लेयर भी है और साथ ही साथ एक्टर भी है। ठीक है, डॉक्टर प्लेयर एक्टर, क्या इन तीनों में कोई ऐसा पोर्शन जो तीनों के बीच कॉमन हो? नो। ठीक है, किसे नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो प्लेयर और एक्टर के बीच में कॉमन हो। ठीक है, जब इन दो में ही कॉमन नहीं है तो तीन में तो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो क्या जगह? नो, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब आ गया सेकंड, ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स, कि भाई जो एक्टर वाला सर्किल है क्या ये पूरे का पूरा डॉक्टर वाले सर्किल के अंदर है? नो। ठीक है, एक्टर वाले सर्किल का कुछ ही पार्ट है डॉक्टर वाले सर्किल के अंदर। तो क्या जगह ये? नो, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो फर्स्ट भी फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा। आंसर क्या? डी, नाइदर वन नॉट टू फॉलो। नेक्स्ट, सम काउज आर क्रोज। ठीक है, क्रो, तो पहला बन गया काउ के लिए, दूसरा बन जाएगा क्रो के लिए, क्रो के लिए सर्किल हो चुका है, तीसरा बन जाएगा एलिफेंट के लिए। ठीक है, तो पहला सर्किल बन गया काउ के लिए, अब बनेगा किसके लिए? क्रो के लिए। और कैसे बनेगा? सम काउज, ठीक है, जो काउ वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है वो इस नए क्रो वाले सर्किल में होना चाहिए। तो क्रो वाला सर्किल इस हिसाब से बनाएंगे कि वो काउ वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है इस नए सर्किल में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आ गया, काउ वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है क्रो वाले सर्किल में आ गया। अब बनेगा सर्किल एलिफेंट वाला, और कैसे बनेगा? सम क्रोज, ठीक है, जो क्रो वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है वो इस नए एलिफेंट वाले सर्किल में होना चाहिए। तो हम इस हिसाब से बनेंगे एलिफेंट वाला सर्किल, कि क्रो वाले सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन, फर्स्ट, सम काउज आर एलिफेंट, कि जो काउ वाला सर्किल है इसका कुछ पार्ट जो है क्या वो एलिफेंट वाले सर्किल के अंदर है? नो। ठीक है, ये सर्किल और ये सर्किल आपस में कहीं टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस काउ वाले सर्किल का कोई भी पार्ट जो है वो इस सर्किल के, काउ वाले सर्किल का कोई भी पार्ट जो है वो एलिफेंट वाले सर्किल के अंदर नहीं है। ठीक है, तो क्या जाएगा? नो, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, ऑल क्रोज आर एलिफेंट, कि जो क्रो वाला सर्किल है क्या ये पूरा का पूरा एलिफेंट वाले सर्किल के अंदर है? नो, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो फर्स्ट भी फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा। आंसर गया डी। ठीक है, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज।